रायपुर में हत्या के आरोपी गुंडा बदमाश राजा बैझड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद वापस नहीं लौटा था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। पुलिस को देखकर उसने हमला कर दिया, जिससे दो सिपाही को चोट आई है। एक सिपाही का उंगली फ्रैक्चर हुआ है। आरोपी देसी कट्टे से जवानों पर फायरिंग की कोशिश कर रहा था। निहत्थे जवानों ने फायरिंग से पहले बहादुरी से सामना करते हुए आरोपी को दबोचा। जेल से पैरोल में बाहर आए कुख्यात आरोपी राजा बैझड़ जो है, ये आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में, जिन्हें ने बीती रात गिरफ्तार करने गए टिकरापारा पुलिस की टीम पर हमला किया था और उसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। बता दें कि राजा बैझड़ जो है हत्या का आरोपी 2007 में, और उसके बाद यह पैरोल में धीरे धीरे करके बाहर आता था, लेकिन इस बार जब जुलाई में यह राजा बैझड़ पैरोल से बाहर आए उसके बाद यह गया ही नहीं। तो इसलिए जो है शिकायत मिलने के बाद जब टिकरापारा पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने गया, तब इसने देसी कट्टा से पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की। बता दें कि लगातार जिस तरीके से राजा बैझड़ जो है बाहर आता था, रंगदारी करता था, और रंगदारी के साथ ही इन्होंने एक बुलेट भी जो है वह भी खरीदा। मैं आपको ये बुलेट दिखाना चाहूँगा जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है राजा बैझड़ के पास से। टिकरापारा पुलिस ने ये बुलेट के साथ में एक देसी कट्टा लोडेड भी जो है वो बरामद किया है। बता दें कि इसे ड्रग सप्लायर जो है प्रोफेसर गेन, उनसे भी बदमाशी कर इसकी वसूली करने की वसूली जो है वो भी इसे राजा बैझड़ के द्वारा की जाती थी, और इसी सारी रकमों से यो इस तरह की खरीदारी जो है वह किया करता था। हम देख सकते हैं कि टिकरापारा पुलिस जो थी देर रात लगभग 12:30-1 बजे से गिरफ्तार करने गई, जिस पर इसने हमला भी किया, और इसके बाद पुलिस ने सूझबूझ के साथ में आरोपी राजा बैझड़ को इस देसी कट्टे के साथ में जो है वह गिरफ्तार किया है। बता दें कि इसमें जो प्रोफेसर गैंग के जो सदस्य थे शुभम सोनी, इसने प्रोटेक्शन के तौर पर भी एक पिस्टल खरीदा था, इसी के डर से ही इस तरीके के जो मामले हैं वो राजा बाजार के लगातार सामने आया। राशिद खान जिसे यह नाम है, और इसे क्या इसके तरह कई सारे इसके विरुद्ध मामले जो हैं वह भी दर्ज हैं। हत्या के मामले में भी यह जेल गया है और आजीवन कारावास की जो सजा है वह इसके द्वारा काट रहे थे। पैरोल में बार बार यह बाहर आता था और इस तरह की रंगदारी जो है वो की जाती थी। बड़ी लापरवाही जेल प्रबंधन की भी इसमें सामने है, क्योंकि पैरोल में बाहर आने के बाद में जो राजा बैझड़ है वो वापस जेल नहीं जाता था, लेकिन इस बार शिकायत मिलने के बाद टिकरापारा पुलिस जो है उसने यह राजा बैझड़ को यहाँ पर गिरफ्तार करने पहुंची, जिसमें 3 पुलिसकर्मी जो है वह भी घायल हुए हैं। अश्वन साहू नेताम के साथ में जो पुलिसकर्मी थे वह घायल हुए थे। फिलहाल सभी जो है वह सामान्य रूप से चोटिल थे। अब इस बार राजा बैझड़ को गिरफ्तार कर लेकर अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरा पर्सन श्रीकांत गौतम के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।